अब हमने देख लिया कि आज की डेट में आदमी का शॉर्ट फॉर्मेट वाले कंटेंट से दूर रहना कितना ज्यादा मुश्किल हो गया है, एंड एग्जैक्टली इसी बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसा एक्चुअल में होता क्यों है एंड इससे छुटकारा पाने की कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं। अब रील्स या फिर शॉर्ट्स हमारी लाइफ के इतने बड़े हिस्से बन गए हैं सिर्फ दो मेजर बड़े प्लेयर्स की वजह से, एल्गोरिथम एंड डोपामीन। सबसे पहले बात करते हैं डोपामीन की। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे दिमाग में रिलीज होता है जब भी हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को किसी भी काम करने से थोड़ा सा रिवॉर्डेड फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमने काम किया उसके पैसे मिले तो डोपामीन रिलीज हुआ, या फिर हमने कोई काम किया उसका कोई अवार्ड मिला तो डोपामीन रिलीज हुआ। बेसिकली एक छोटी सी क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी जैसी हमारी बॉडी को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इनफैक्ट जो हमको फीलिंग आती है ना काफी ज्यादा एक्साइटमेंट की या खुशी की, जैसी हम कोई भी चीज अचीव कर लेते हैं, वो एग्जैक्ट फीलिंग इसी केमिकल का कमाल है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे ये डोपामीन रिलीज खत्म हो जाता है तो हमारा दिमाग दोबारा से सोचना शुरू कर देता है कि ऐसा क्या करूं जिससे ये केमिकल दोबारा से रिलीज हो, दोबारा से एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज मिले। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा नखरे नहीं करता, इसको छोटी छोटी चीजों से ही डोपामीन का रिलीज मिल जाता है। इनफैक्ट हम कोई भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि हमको वो पसंद आ गया, शेयर करने लायक या लाइक कर लिया या हमने अपनी स्टोरी पे लगा लिया, एग्जैक्टली हमारा दिमाग इतना भोला है कि इसको एक बढ़िया सी रील भी मिल जाती है ना तो ये सोचता है। लेकिन बात इधर रुक जाती तो ठीक था, लेकिन हमको पता है कि हम दोबारा से थोड़ी सी स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो फिर से एक बढ़िया सी रील मिल जाएगी, एंड ऐसे ही स्क्रॉल करते करते घंटों के घंटों खत्म हो जाते हैं इस ऐप पे टाइम स्पेंड करते हुए। तो बेसिकली हम एक एंडलेस लूप में फंस जाते हैं जिसको हम डोपामीन लूप के नाम से जानते हैं। हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, फिर हमें और अच्छा लगता है, फिर वो इफेक्ट चला जाता है एंड हम डोपामीन रिलीज के खोज में फिर से निकल पड़ते हैं, एंड यूं ही चक्की चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अब डोपामीन बेचारे की अकेले ही गलती नहीं है, यहाँ पे दूसरा मुजरे में एल्गोरिथम। डोपामीन रिलीज काफी एक स्ट्रॉन्ग चीज होती है एंड नेचुरली एवरीवन वांट्स टू फील हैप्पी, राइट? एंड ये चीज बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशंस अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट करना जानती हैं। इंस्टाग्राम ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अपने रील्स वाले एल्गोरिथम को बनाया, एंड ये एल्गोरिथम देखता है कि हमें कौन सी रील्स कौन से ऑडियो के साथ बेस्ट लग रही हैं, बेस्ड ऑन हम उसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, इवन उसको सेव कर रहे हैं कि नहीं, ये धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत अच्छे से समझना स्टार्ट कर देता है, एंड बेस्ड ऑन ये सारा लर्निंग वाला डेटा ये हमको उसी तरीके की रील्स दिखाना स्टार्ट कर देता है जिससे हमारा डोपामीन बार बार रिलीज हो एंड हम बार बार इनकी ऐप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ये कंपनीज अपने एल्गोरिथम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि हमारा डोपामीन रिलीज का टाइम में ज्यादा गैप ना हो जाए, कि ये टाइमिंग का गैप बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा बढ़ गया तो उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाते हैं हमारे दिमाग को ये समझने के लिए कि दुनिया में और भी काम है करने को इनकी ऐप को चलाने के अलावा। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो ये बात सहन तो होगी नहीं इंस्टाग्राम से, क्योंकि ये लोग तो चाहते हैं कि आप अपना पूरा दिन पूरी रात इनकी ऐप के ऊपर स्क्रॉल करते हुए निकाल दो। इनके इस एल्गोरिथम की वजह से एक पंगा और हो गया है। यूजुअली हमको पहले इंस्टाग्राम पे रीच अपनी बढ़ानी होती थी, ज्यादा लोगों तक पहुंचना होता था, तो बहुत सारे नाटक इनके झेलने पड़ते थे, जैसे कि हैशटैग्स हो गया, देन शाउटआउट्स डालो, देन स्टोरीज के ऊपर अलग-अलग तरीके से उसको एक पैटर्न फॉलो करो, तब जाके थोड़ी सी रीच ज्यादा होती थी। लेकिन आज की डेट में आप ट्रेंडिंग ऑडियो उठाओ, रील्स उसके ऊपर बनाओ एंड उसके ऊपर डालते जाओ एंड ये करते करते आपका कंटेंट हजारों लाखों लोगों तक पहुंचने की पूरी पूरी उम्मीद हो जाती है। ये होने का भी एक एग्जैक्ट परफेक्ट रीजन है, क्योंकि जब ऐसा होता है एल्गोरिथम आपके कंटेंट को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाता है तो आपको आते हैं लाइक्स, व्यूज, फॉलोज, एंड इससे इंस्टेंटली आपका डोपामीन दोबारा से रिलीज हो जाता है। हम फिर से थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, इस बात को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि हमारा कंटेंट लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं, एंड दोबारा से एक नई रील बनाने की प्रोसेस के अंदर लग जाते हैं। अब आप समझे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट का ये 200 IQ मूव क्यों है। ये कंपनीज रील्स पे लोगों को हुक करके डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड क्रिएटर्स जो रील्स बना रहे हैं उनको रीच देके अगेन उनको हुक करके सप्लाई मेट करवा रहे हैं, एंड लूप चल रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। अब ये मॉडल शायद आपको देखने सुनने में इतना ज्यादा डेंजरस नहीं लग रहा हो, लेकिन एक इससे बड़ी पैथेटिक चीज हो रही है जो आपने शायद न्यूज़ में भी सुनी होगी। इससे लोगों का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। नॉर्मली डोपामिन रिलीज के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो अप्रोक्सीमेटली कुछ घंटे या इवन दिन भी हो सकता है। लेट से आपको एक बुक पढ़ रहे हो या एक मूवी देख रहे हो तो आपका ब्रेन भी तैयार हो जाता है कि चलो भाई 3-4 घंटे या 6 घंटे कमर कस लो भाई, क्योंकि उसके बाद होने वाली है डोपामिन पार्टी। बट अब शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट आने के बाद हमारा दिमाग को भी समझ में आ गया है कि ये चीज
सेकंड्स के अंदर रिलीज हो सकती है, तो मैं 3-4 घंटे क्यों रुकूं। ब्रेन भी कहता है कि मैराथन कौन भागेगा भाई, 10 मीटर भाग के खुश हूं मैं तो। लेकिन इसको आप अलग तरीके से देखो कि अगर एक मैराथन रनर सिर्फ 10 मीटर भागेगा दिन में तो उसकी फिटनेस कहां जाएगी। शायद आपने भी सुना होगा कि हमारी ब्रेन एक मसल है, इसको भी ट्रेन करना पड़ता है, अगर नहीं करते तो ये सुस्त पड़ जाएगा। एंड वही हो रहा है, बिना मेहनत करे हमें ऑन डिमांड हमारे पसंद का कॉन्टेंट हमारे फिंगर टिप्स में मिल जा रहा है, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है हमारे अटेंशन स्पैन को। अटेंशन स्पैन कम होने से हमारे ऊपर काफी ज्यादा बुरे एडवर्स इफेक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, हमको बहुत जल्दी गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन या लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट होना ही बंद हो जाता है। इवन अगर हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम है जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा फोकस देके काम करना है तो वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग एक्चुअल में वो जल्दी क्विक रिलीज ढूंढ रहा होता है। अब ये सारी बातें ना मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने अपनी स्टडी के अंदर ये बताया है कि जब भी हम अपना फोन निकाल के उसको इन्फॉर्मेशन से भरना स्टार्ट कर देते हैं, जिस टाइम पे दिमाग को रिलैक्सेशन की नीड होती है, ये करने से हम नेचुरली अपना अटेंशन स्पैन को डिक्रीज कर रहे होते हैं। एंड ये चीज मैंने एक्चुअल में एक्सपीरियंस करी है। जब मैं रात को सोने की कोशिश कर रहा होता हूं तो कई बार मैं जबरदस्ती मेरा दिमाग कह रहा होता है थोड़ी और रील्स देख ले, थोड़ी और रील्स देख ले, आंखें जवाब दे रही होती है लेकिन हाथ से फोन नहीं छूट रहा होता, या फिर रील्स देखते देखते कोई पास में आगे खड़े हो गए कुछ बोल भी रहा है ना तो भी सुनाई नहीं देता कि भाई क्या बोल रहा है, क्योंकि दिमाग इतना ज्यादा फोकस, इतना ज्यादा डोपामिन रिलीज की तरफ अट्रैक्ट हो चुका होता है, हमको आसपास की सराउंडिंग से कुछ पता ही नहीं लगता। डिस्पाइट ऑल दैट, रील्स या फिर और भी किसी भी प्लेटफॉर्म का शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट कोई ड्रग नहीं है कि हम उस पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि अगर छोड़ दें तो कोई विड्रॉल सिम्टम्स आ जाएंगे। ये बस आज की डेट में हमारी एक आदत ऐसी बन गई है जिससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना काफी ज्यादा ट्रिकी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अब हम यहाँ पे ना इस प्रोसेस की बात करने वाले हैं जिससे डोपामिन रिलीज को थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना आना चाहिए। इसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। अब ये कैसे करना है, काफी सिंपल है। कुछ अलग से आपको यहाँ पे कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करनी, कोई आपको अलग से कोई चीज खरीदने की नीड नहीं है, सिर्फ अपने मन को थोड़ा सा समझाना है। एंड ये कुछ चीजें जो नॉर्मली हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, इसको आप फॉलो करके देख सकते हो। पहली चीज, आप अपने फोन से जो भी ज्यादा आपको ऐप ऐसी लग रही हो ना कि आप ज्यादा एडिक्ट होते जा रहे हो, या फिर आपका ब्रेन काफी ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उस ऐप को आपको डिसेबल नहीं करना, सीधा अनइंस्टॉल करना है। वैसे मैंने तो चैलेंज के अंदर यूट्यूब भी देख लिया था, तो आप ये गलती मत करना। स्टेप टू, आप अपने पीसी के ऊपर भी साइट ब्लॉकर के एक्सटेंशन लगा के सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर सकते हो कुछ दिन के लिए। स्टेप थ्री, अपने टीवी का तार निकाल के उसको भी कवर्ड में रख दो। अब शायद आप ये सोच रहे हो कि बात रील्स की चल रही थी, ये टीवी तक कैसे पहुंच गए भाई? और इसका जवाब काफी सिंपल है, हमें इस लड़ाई में हमारे इंस्टेंट एंटरटेनमेंट नीड्स से लड़ना है। एंड नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब भी तो यही कर रहे हैं ना, क्या पता हमारा दिमाग एक बार को रील्स छोड़ दे लेकिन उसके बाद नेटफ्लिक्स से अटैच हो जाए। तो पूरी तरीके से कंट्रोल लेना है तो थोड़े दिन ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है, कोई महीने दो महीने नहीं, सिर्फ एक हफ्ता भी अगर आप इस प्रैक्टिस को फॉलो करके देख लो तो आपका माइंड पहले से बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेगा। लेकिन इस एक हफ्ते के बीच में आप बहुत बोर होगे, बहुत बेचैनी होगी, बहुत बार सोचोगे करूं तो करूं क्या, लेकिन ये परफेक्ट टाइम हो सकता है आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, थोड़े वर्कआउट वगैरह करने का, कुछ छूटी हुई हॉबीज को दोबारा से पिकअप करने का, एंड शायद दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का। करने के लिए तो लिस्ट बहुत लंबी है, एक एक करके सब कुछ यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगी क्या क्या कर सकते हो, लेकिन फैसला आपका है। अब आप बताओ, है हिम्मत सोशल मीडिया छोड़ के अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेने की? विद दिस, अगर आपको डिटॉक्स का पैटर्न अच्छा लगा तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। लेकिन अगर नहीं, अगर दोबारा से अपनी इंस्टाग्राम रील्स पे जाने वाले हो ना, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, जाके फॉलो जरूर कर लेना। एंड अपने उन सारे रील वाले चर्सी दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेज देना, क्योंकि उनको पता चले कि ये कंपनीज हमारे दिमाग के डोपामीन के साथ कैसे खेल रही है एंड हमें नचा रही है इधर से उधर। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे सार्कास्टिक, सी या।